ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूँ फलक खान और आपका यमी गर्ल्स में वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल सीरीज की 10th रेसिपी, वो है मटन कटलेट। मटन कटलेट के बिना तो जैसे हमारी इफ्तार की रेसिपी इनकम्प्लीट हो। क्या कहते हो फ्रेंड्स, राइट? जैसे कि मतलब कटलेट, कबाब, बोटियाँ, ये सब ना हो तो हमारा रमज़ान तो अधूरा सा हो जाता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रेसिपी। यहाँ मैंने एक बोल में 350 ग्राम जो है डबल मशीन का खीमा लिया हुआ है, जिसको मैंने सिर्फ वॉश किया है। पानी ऐसे देखो निचोड़ के मैंने निकाला हुआ नहीं है। आप चाहे तो हल्का हल्का सा ऐसे हाथों की मदद से निचोड़ कर इसका पानी निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया हुआ सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। फिर ये मैंने घर में ही देखो धनिया जो है अक्खा धनिया भून कर हल्का सा क्रश करके लिया हुआ है एक बड़ा चम्मच। एक बड़ा चम्मच जो है होममेड रेड चिली फ्लेक्स है। हाफ टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड किया हुआ है। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन हो तो आप सिर्फ वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑरेंज जो है फूड कलर ऐड किया हुआ, बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ मेरे पास देखो दो डब्बे में ना ब्रेड क्रम्स है, एक में मैं यूज्ड रखती हूँ और एक में अनटच्ड होता है। तो ये यूज्ड वाला पहले मैं इसमें डालूंगी, उसको मैं अलग ही रखती हूँ, अनटच्ड के साथ मैं मिक्स नहीं करती। तो पहले मैंने वो डाल दिया है, फिर मेरे फ्रेश ब्रेड क्रम्स जो मैं घर में ही बनाती हूँ वो डाला हुआ है। फिर मिलाएंगे इसमें एक अंडा। अंडा मिलाने से क्या होगा, हमारे कटलेट सॉफ्ट होंगे। इसमें ऐड करेंगे हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, बारीक बारीक चॉप करेंगे। उसके बाद में हमने ऐड करना है पुदीना थोड़ा सा, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसकी खुशबू तो वाव इतनी अच्छी आती है। थोड़ी सी इस बार लेट हो गई थी क्योंकि ना क्या हुआ था, मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था तो मैं थोड़ी सी पेन में थी इसीलिए, बट इंशाल्लाह अब रेसिपीज कंटिन्यू आएगी। सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। अब कोथमीर पुदीना डालने के बाद में इन सब चीज़ों को अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे। सब मिक्स कर लेने के बाद में एक मीडियम साइज का जो आलू है बॉईल करके मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच मैदे का आटा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे का आटा जो है ना एक अच्छा सा बाइंड देगा हमारे कटलेट को, जिससे कि ना अच्छा एक होल्ड मिलेगा, टूटेंगे नहीं इससे कबाब। आलू जो है, आलू और अंडा हमारे कटलेट को सॉफ्ट बनाएगा। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे हम आधे से 1 घंटे के लिए। अगर आपने फ़ौरन बनाना है तो आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखो बिल्कुल ऐसे एक डो की तरह तैयार हो गया है हमारा कटलेट का मसाला। अब इसके बॉल्स बना लेंगे बड़े बड़े से। मतलब कटलेट का साइज़ जो है ना अपना पाम यानी जो हथेली होती है उतना बड़ा होना चाहिए, तो उसे कटलेट कहा जाता है। यहाँ मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिया हुआ है, तो एक बॉल बना लेंगे अच्छे से एक टाइट वाला। दोनों हाथों में उसे ऐसे घुमा लेंगे, फ्लैट कर लेंगे, फिर उसे ब्रेड क्रम्स पे रख के उसके ऊपर वापस से ब्रेड क्रम्स डालना है और उसे फ्लैट करना है। इससे जो है ना हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसके ऊपर लग जाएंगे और हमारे कटलेट अच्छे से रेडी हो जाएंगे। ये देखो मेरे को होल्ड करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही, वरना यूजुअली होता ये है कि ना हम कटलेट उठाते हैं वैसे ही डुप से गिर जाते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती थी, लेकिन मेरी अम्मी जिनका इंतकाल हो चुका है उन्होंने मुझे ये टिप्स बताई थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ऐसे ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होता है ना कि अच्छे से हम होल्ड कर पाते, वरना पहले तो मेरे कटलेट ऐसे टपक से गिर जाते थे, टूट जाते थे। ये देखो एकदम प्रोफेशनल कटलेट बनके तैयार है। इसे आप फ्रिज में ऐसे सुबह से बनाकर भी रख सकते हैं, फ्रीजर में भी आप ऐसे ज़िपलॉक बैग में डाल के स्टोर करके रख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 अंडे। 3 अंडे में उसमें सॉल्ट डाल देंगे 3 अंडे के हिसाब से, और उसे अच्छे से फेट कर लेंगे। मैं कोई ना मतलब ऐसे फ्रीज करने वाले अलग से रेसिपीज नहीं बता रही हूँ, मेक एंड फ्रीज स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, मैं ऐसे ही अपनी रेसिपीज बताती हूँ साइड साइड में, मतलब बता देती हूँ कि आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको नहीं रख सकते उसको नहीं रख सकते। और मेरा मानना तो ये यार फ्रेश बना कर खाओ, स्टोर करके क्या रखना। महीना रमज़ान का एक ही है, उसमें मेहनत कर लो, खूब मज़े कर लो। अब जो है मैंने ऑयल ले लिया था एक कढ़ाई में, जो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जो हम लोग अंडा डिप करके कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं उसमें, उससे यह होता है कि ऑयल पूरा स्प्लैश होकर बाहर आ जाता है। इसे हाई फ्लेम पे ही मैंने फ्राई किया था क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इसमें पकने लायक, तो गोल्डन कलर अच्छे से आ जाने के बाद में हम कटलेट को ऑयल स्ट्रेन आउट करके निकाल लेंगे। देखो कोई भी चीज़ बनाने में ना मतलब ऐसे रॉकेट साइंस है नहीं, बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है, जिसको जब उसका आउटकम उसका रिजल्ट जब अच्छा आता है ना तो हमें भी बहुत खुशी होती है, घर वालों से बहुत दुआएं मिलती है, और दुआएं लेना तो मतलब और रमज़ान में तो माशाल्लाह। तो बस एक महीना ज़्यादा मेहनत कर लो, मैं तो यही कहूँगी आपसे, एक महीना एक्स्ट्रा मेहनत कर लो अपने घर वालों के लिए, सब खुश हो जाएंगे, सब बहुत सारी दुआएं देंगे, है ना, और दुआओं से तो बड़े बड़े बेड़े पार हो जाते हैं। तो हमें दुआओं का मतलब ऐसे खजाना जमा करना है रमज़ान में, राइट। तो ये देखो मेरे बेहतरीन से इतने सारे कटलेट तैयार हो गए। तो ये मैंने 350 ग्राम खीमे में मैंने 14 से 15 कटलेट बनाए हुए थे, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने थे। पाव पे चटनी और प्याज रखी और गपा गप खाइए इसे गपर गप। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, हमें अपनी दुआओं में याद रखना।